हेलो फ्रेंड्स, आज हम #undef प्रोसेसर डिरेक्टिव का एक एग्जाम्पल देखेंगे। #undef यानी कि अनडिफाइन। #undef प्रोसेसर डिरेक्टिव को यूज करके हम प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो को अनडिफाइन कर सकते हैं। #undef सिर्फ यूजर डिफाइंड मैक्रो को अनडिफाइन करता है। #undef वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे किसी मैक्रो को रीडिफाइन करते हैं। चलिए प्रोग्राम में देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने मैक्रो को डिफाइन किया है #define_num। num जो है वो मैक्रो का नेम है जिसे मैक्रो टेम्पलेट कहते हैं। 10 जो है वो मैक्रो की वैल्यू है जिसे मैक्रो एक्सपेंशन कहते हैं। इसका मतलब है num एक मैक्रो नेम है जिसकी वैल्यू डिफाइन की हुई है 10। उसके बाद if diff num if डिरेक्टिव लेंगे जिसमें हमने जो मैक्रो डिफाइन किया है उसे अनडिफाइन करेंगे #undef की हेल्प से #undef_num। अब यहाँ पे हमने जो मैक्रो डिफाइन किया था num वो अनडिफाइन हो गया है और हमने न्यू मैक्रो को रीडिफाइन किया है न्यू वैल्यू के साथ #define_num। मैक्रो की वैल्यू ली है यहाँ पे 70, तो अब मैक्रो की न्यू वैल्यू यहाँ पे आ गई 70। एल्स इसमें हमने मैक्रो की न्यू वैल्यू डिफाइन की है 50 और #endif इफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगा यहाँ पे। अब मेन फंक्शन में मैक्रो की जो वैल्यू मिलेगी वो प्रिंट हो जाएगी printf_num। जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि पहले हमने मैक्रो डिफाइन किया था और उसे हमने अनडिफाइन किया, तो मैक्रो की वैल्यू अनडिफाइन हो गई यहाँ पे 10। अब हमने फिर से मैक्रो को डिफाइन किया है न्यू वैल्यू के साथ जो 70 है। उसके बाद #ifdiff की कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी और जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो एंड हो जाएगा और जो वैल्यू है उसकी 70 वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी तो एल्स, अदरवाइज मैक्रो जो है उसकी दूसरी वैल्यू प्रिंट कर देगा 50। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। हम Ctrl+F9 की प्रेस करके हम इसे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें मैक्रो की वैल्यू मिल रही है 70, यानी कि इसने 70 प्रिंट किया है। तो इस तरीके से हम #undef प्रोसेसर डिरेक्टिव को यूज करके प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो को अनडिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।